इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप फेसबुक पर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं एंड वहाँ पर अगर आप किसी मतलब कोई भी प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है योर चेंजेस कुड नॉट बी सेव्ड। तो इसका क्या मतलब होता है? और हमारे जो सेव है, मतलब हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर हम कर रहे हैं फेसबुक में, तो सेव क्यों नहीं हो रहे, उस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप फेसबुक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुड नॉट बी यूअर चेंजेस कुड नॉट बी सेव्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो भी चेंजेस किए, मान लीजिए अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं या फिर अगर आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करवा रहे हैं, कोई इन्फो ऐड कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर चीज़, ठीक है, तो वो चेंज जो आपने किया है वो सेव नहीं हो पा रहा, इस तरीके से ये बताता है, ठीक है। बट यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप 2-3 बार सेव सेव बटन पर क्लिक करना है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है एंड उसके बाद आपका जो चेंजेस है वो सेव हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें इरर लिख कर आता है यूअर चेंजेस कुड नॉट बी सेव्ड, बट वो फेसबुक पर अपडेट हो जाता है 1 से 2 मिनट के बीच में ही, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जब हम हमारी प्रोसेसिंग में रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं किसी भी चेंजेस को सेव करने की, तो वो सेव हो जाते हैं, बट कभी कभार किसी इरर के चलते हमें स्क्रीन पर दिखाता है कि वो चेंजेस कुड नॉट बी सेव्ड, ठीक है। अगर आप सही तरीके से मतलब चीज़ें कर रहे हैं तो आपके जो चेंजेस है या फिर जो भी आपने चेंज किया है वो सेव हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप कोई मतलब गलत तरीके से चीज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप प्रोफाइल फ़ोटो को जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा बड़ा प्रोफाइल फ़ोटो लगा रहे हैं, अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपने कोई उल्टा सीधा नाम डाल दिया तो उस केस में आपके चेंज कभी भी सेव नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने इन्फो में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा लिखा आता है तो बेसिकली वहाँ पर आपको इस तरीके से कभी लिखा नहीं आएगा। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत डालते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको बोला जाता है, ठीक है। तो योर चेंजेस कुड नॉट बी सेव्ड, अगर आपको इस तरीके से लिखा रहा है तो इसका मतलब आपके जो चेंजेस है वो सेव हो चुके हैं। बस आपको करना यही है कि अपने फेसबुक ऐप को बंद करना है पूरी तरह से, बैकग्राउंड से भी इसे हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड से भी फेसबुक ऐप को आप हटा दीजिएगा। उसके बाद अपने जैसे फेसबुक को हटाएंगे उसके बाद 1-2 मिनट की वेट कीजिएगा और 1-2 मिनट के बाद फेसबुक को फिर से ओपन कीजिए। आप देखेंगे कि आपने जो भी चेंजेस किए वो सेव हो चुके होंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो फिर से एक बार कीजिए, इस बार आपको ना तो कोई प्रॉब्लम एरर आएगा या फिर डायरेक्टली आप चेंजेस जो है सेव हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।